नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान की कला और संस्कृति जगत को समर्पित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम रंग रंगीला राजस्थान में, और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। राजस्थान की संस्कृति अलौकिक है और ऐतिहासिक अतीत के समान अनूठी भी। राजस्थानी संस्कृति राज्य के रंगीन इतिहास को दर्शाती है, और यही वजह है कि हम राजस्थानियों को अपने लोक नृत्यों, पारंपरिक व्यंजनों और रंग रंगीले परिवेश पर नाज है। राजस्थान के इन्हीं सब रंगों को आप तक लेकर आता है हमारा ये कार्यक्रम रंग रंगीला राजस्थान। राजस्थान में हर त्योहार को बेहद अनूठे तरीके से मनाया जाता है, चाहे मकर संक्रांति हो, होली हो या फिर दीपावली। और जब बात राजस्थान के प्रमुख त्योहार गणगौर की हो तो छठा बिल्कुल अलग होती है। कछवाहा राजवंश से चली आ रही ये प्रथा गणगौर की सवारी निकालने की आज भी उसी उत्साह के साथ निकाली जाती है। इस बार भी विश्व भर में प्रसिद्ध जयपुर की गणगौर की सवारी पूरे ठाठ बाट के साथ निकाली गई। आइए आपको दिखाते हैं। गौर गौर गोमती ईसर पूजे पार्वती, ये गीत होली के दूसरे दिन से लेकर लगभग 16 दिनों तक मरु नगरी के हर घर में गाया जाता है। हर जिले, हर शहर में ईसर और गौर माता की पूजा अर्चना की जाती है। ईसर यानी भगवान शिव और गौर यानी माता पार्वती के प्रतीक के रूप में गणगौर का पर्व मनाया जाता है। गणगौर की सवारी चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को निकाली जाती है। जयपुर की गणगौर माता की शाही सवारी तो विदेशों में भी पहचान रखती है, जो त्रिपोलिया गेट से शुरू होकर छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार होते हुए ताल कटोरा पहुंचती है। इस बार भी शाही लवाजमे के साथ गणगौर माता की सवारी निकाली गई। सवारी के दौरान हल्की बूंदाबांदी के बावजूद भी लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। शाही लवाजमा, ये रंग बिरंगी पोशाक और हमारे शाही परिवार के सदस्य जो गणगौर माता की सवारी की अगवानी कर रहे हैं। गणगौर माता, आप और हम सभी को तो हमारा बहुत इच्छा था कि हम जयपुर की सवारी देखें गणगौर की। वो एक विश्व में सबसे अच्छा त्यौहार हम बोल सकते हैं अपनी भाषा में, कि बहुत अच्छा त्यौहार है। हम लोगों को भी बोलेंगे कि यहाँ आए और हमारा इस पर्व का आनंद उठाएं। 20 साल से बोले मेरे को जयपुर की गौर देखनी है, तो आज ये मौका मिला और आज मैं इसे दिखा दिया। और मेरी माँ आई है, मेरी दोनों बहनें आई हैं, वहाँ बैठी हुई हैं ऊपर। एक चेन्नई से आई है, एक बॉम्बे से आई है और मैं कलकत्ता से आया हूँ। मैं किशनगढ़ से हूँ और बहुत अच्छा लगा मुझे, वैसे पहली बार देखा है मैंने। जयपुर से कैसा लगा आपको गणगौर की सवारी? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी लगी इस बार, पहले से ज्यादा। गणगौर माता की सवारी जनानी जोड़ी से निकली, जिसका त्रिपोलिया गेट पर सवाई मानसिंह गार्ड बैंड की धुन पर स्वागत किया गया, और स्वागत में लोकगीत सवाई मान बैंड द्वारा बजाए गए। जिसके बाद जयपुर राज परिवार के पद्मनाभ सिंह ने पूजा अर्चना की, और उसके बाद गणगौर माता नगर भ्रमण के लिए निकली। शाही लवाजमे के साथ निकली सवारी में गणगौर माता चांदी के रथ पर सवार थी। शाही सवारी में राजस्थान का कल्चर, कला और परंपरा का अनूठा मिश्रण देखने को मिला, जिसमें कच्ची घोड़ी का नृत्य बहुत ही आकर्षक था। ये नृत्य जो हमारे राजस्थान की लोक संस्कृति में एक पारंपरिक नृत्य के रूप में अपना अलग पहचान रखता है, इस नृत्य के माध्यम से हमारे राजस्थान की शूरवीरता
अच्छा भी ये पंचायत रहा है। इस दौरान सफेद गैर, घूमन नृत्य, मयूर नृत्य और तेरताली जैसे राजस्थान के पारंपरिक नृत्यों ने भी समा बांधा। Like the different forms of the demons. वहीं सवारी में अलगोजा वादन, महरूपिया कलाकार, मांगणियार संस्कृति ने सबका मन मोहा। इसके साथ साथ शाही सवारी में राज परिवार का ऊंट दस्ता भी शामिल हुआ। इसके साथ सवारी में घोड़े और एक हाथी भी शामिल था। सवारी में सबसे आगे हाथी पर पचरंगा ध्वजा इस त्योहार की वैभवता के दर्शन करा रही थी। पीछे पीछे मधुर बैंड की स्वर लहरियों के बीच चांदी की पालकी में माता गणगौर की सवारी चल रही थी। राजस्थान का कल्चर बहुत ही रिच है। मरु नगरी में हर त्योहार को शान के साथ मनाया जाता है। राजस्थान का प्रमुख त्योहार गणगौर भी राजसी अंदाज में मनाया जाता है और जयपुर की गणगौर सवारी तो न केवल देश बल्कि विदेशी पटल पर भी अपनी पहचान रखती है। इसीलिए हजारों की संख्या में देशी विदेशी सैलानी जयपुर की गणगौर की शाही सवारी को देखने के लिए आते हैं। देशी विदेशी सैलानियों के लिए पर्यटन विभाग की ओर से विशेष इंतजाम भी किए गए। अतिथि देवो भव के आधार पर मेहमानों का राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया गया तो राजस्थान का पारंपरिक घेवर भी मेहमानों को खाने में दिया जा रहा था। I'm from Argentina, but don't speak good in English. But beautiful your cultural music and your country and your country is beautiful. राजस्थान की आन बान और शान के परिचायक गणगौर पर निकली सवारी में राजस्थान के गौरवमयी इतिहास की झलक की बानगी भी देखने को मिली, जिसमें राजसी ठाट के साथ साथ कलाकारों द्वारा राजस्थान की समृद्ध संस्कृति की छटा बिखेरती अनेक लोक कलाओं से परिपूर्ण प्रस्तुतियां दी गईं, जिसे देखने न केवल देश के कोने कोने से लोग पधारे बल्कि इस अद्भुत सवारी को देखने की लालसा विदेशी पर्यटकों को भी जयपुर ले आई। पर्यटकों ने गणगौर माता की सवारी के इस विशिष्ट पल को अपने मोबाइल के कैमरों के जरिए संजोया। स्पेशल डेस्क A1 TV जयपुर। सचवाहा राजवंश से शुरू हुई यह प्रथा गणगौर पर्व आज भी बेहद उत्साह हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और जब बात करते हैं त्योहारों की तो राजस्थान में वैसे तो हर त्योहार बेहद ही अलग अंदाज और अनूठे तरीके से मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान का प्रमुख त्योहार गणगौर की पूजा जो होली के दूसरे दिन शुरू हो जाती है और लगभग 16 से 18 दिनों तक चलती है, गणगौर की पूजा जयपुर की जो गणगौर है वो बेहद प्रसिद्ध है, ना केवल देश में बल्कि विदेशों में भी। इसीलिए विदेशों से हजारों की तादाद में सैलानी आते हैं और इस गणगौर के पर्व का आनंद लेते हैं, उत्साह लेते हैं। और ये जयपुर की जो गणगौर है त्रिपोलिया गेट से शुरू होती है, जनानी ड्योढ़ी से शुरू होकर त्रिपोलिया बाजार, गणगौरी बाजार होते हुए तालकटोरा पर इसका समापन होता है। और इसमें राजस्थान के हर एक जिले का जितनी भी कलाएं हैं, जितने भी डांस फॉर्म हैं, उन सभी को दिखाया जाता है, चाहे वो कालबेलिया हो, घूमर हो, बहरूपिया हो, गैर हो, जितने भी तरीके के डांस फॉर्म हैं सभी को यहां पर दर्शाया जाता है। इस गणगौर की पूजा में राजस्थान की लोक, राजस्थान की परंपरा का एक अनूठा सम्मिश्रण होता है जो हर किसी के मन को मोह लेता है। इस पूरी यात्रा के दौरान शाही लवाजमे के साथ गणगौर की ये पूजा की जाती है, गणगौर की ये यात्रा निकाली जाती है जिसमें ऊंट, बैल, घोड़े सभी होते हैं। साथ ही साथ एक मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है हाथी। तो गणगौर का पर्व अपने आप में खास है और बेहद ही एक तरीके से कहें कि राजस्थान का प्रमुख है, इसलिए विदेश में भी अपनी अलग ही एक पहचान रखता
तहर, इसलिए हजारों की संख्या में विदेशी सैलानी यहां पर आते हैं। रामनिवास गुजर के साथ मैं अमीषा यादव, एवन टीवी जयपुर। रंग रंगीला राजस्थान में अभी के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर प्रदेश की लोक कला और संस्कृति से जुड़ी खबरों के खजाने के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।